आईयूपीएसी नामनक्लेचर ऑफ अल्केन्स तो हमने देखा है, अब देखेंगे नामनक्लेचर ऑफ अल्की कॉमन सिस्टम्स। ओके, आईयूपीएसी में कॉमन सिस्टम्स से भी वही नाम है अल्केन्स, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, दोनों तरफ सिमिलर नाम। अल्किन में थोड़ा सा कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम चेंज होता है। कॉमन सिस्टम, द कॉमन नेम्स ऑफ द फर्स्ट फोर मेंबर्स नेम्ड बाय चेंजिंग ए एंड ई। अल्किन के जो 10 नाम है वो आपको याद रखने हैं, इसीलिए मैंने आपको लिखने के लिए बोला था। ओके, तो उस ए एंड ई जो है, मिथेन के ए एंड ई को हम वाई एल ई एन ई, किस सिस्टम से? कॉमन सिस्टम से। अगर हम लिखेंगे इस तरीके से, मिथेन तो आएगा नहीं, इथेन। तो इथेन को हम कैसे लिखेंगे देख लीजिए, इथेन है तो इसका ए एन ई को कट कर कर इथाइली, ये हो गया कॉमन सिस्टम से। हाँ, कॉमन सिस्टम से जब आप लिख रहे हो तो ये हो गया इस तरीके से। दूसरा, द ग्रीक लेटर्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश आइसोमर्स हैविंग डबल बॉन्ड एट द फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन ऑफ द चेन, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन। देखिए, इथाइलीन, प्रोपाइलीन, बीटा ब्यूटाइलीन, अल्फा ब्यूटाइलीन। बीटा ब्यूटाइलीन यानी सेकंड बॉन्ड जो है, ओके, सेकंड बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड है। अल्फा यानी फर्स्ट बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर प्रोपाइलिन में इधर से अगर हम इधर शिफ्ट होंगे तो किधर से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड एक ही जगह पर आएगा। इथाइलिन में तो कोई चांस ही नहीं है कि डबल बॉन्ड का मेंशन करें, दो ही कार्बन है तो डेफिनेटली दोनों के बीच ही इथाइलिन होगा। ये प्रोपाइलिन, ये है ब्यूटाइलिन, बट ब्यूटाइलिन में तीन बॉन्ड है तो उसमें से सेकंड बॉन्ड जो है हमारा बीटा यानी सेकंड बॉन्ड, अल्फा तीसरा रहेगा तो गामा, चौथा रहेगा तो डेल्टा, थीटा, इस तरीके से कुछ जाएगा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किन्स, अब इसके एक्चुअल रूल्स हमने कॉमन सिस्टम देखा, अब आईयूपीएसी सिस्टम देखिए। आईयूपीएसी सिस्टम में आई एम ऑडिबल फॉर ऑल ऑफ यू, यस, ओके, जस्ट अ नेटवर्क इशू था, नाउ इट इज क्लियर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किन्स, अब इसके हम रूल्स देखेंगे और साथ में फिर एक एक एग्जाम्पल हम साइड बाय देखते जाएंगे। तो सबसे पहला रूल है अल्किन के नॉमेनक्लेचर का, आईयूपीएसी नेम्स ऑफ अल्किन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दोज करस्पोंडिंग अल्किन, यानी जितने कार्बन का अल्किन रहेगा उतने कार्बन का अल्किन भी रहेगा। तो पहले हम कार्बन नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, समझो पांच नंबर का है तो पेंटेन हो गया, तो फिर उसको चेंज कैसा करेंगे आपको, तो जो पेंटेन का ए एन ई है उसको हम रिप्लेस करेंगे ई एन ई से, जैसे कि यहाँ पर आपका पेंटेन है, ओके, तो इसके ई एन ई को हम रिप्लेस करेंगे ई एन ई से, पेंट ई, ये हो जाएगा नाम। पैरेंट अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो पेंटेन से बन जाएगा पेंटीन। ओके, ये पहला रूप। दूसरा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, कार्बन चेन दैट कंटेन्स द डबल बॉन्ड एंड यूज दिस एज ए पैरेंट कंपाउंड। क्या करना है, सबसे ज्यादा कार्बन वाली चेन, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं पॉसिबल उसमें उतनी पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है, इसी को आपको पैरेंट कंपाउंड बोलकर चलना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल है, नंबर दिस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन
so that double bond has the lowest possible number. अब हम numbering कैसा देंगे? मैं अब यहाँ पर एक example लेता हूँ. CH3, CH2, CH double bond, CH2. अब इसमें longest possible chain कौन सी है? एक ही है, तो इसको numbering अब देना है. कौन सा है? ब्यूट. अब हम इसको identify करते हैं. ब्यूटेन का ये बन गया ब्यूटीन. ओके, अब इसको नंबरिंग कहां से देना है? हमने डबल बॉन्ड का नंबर मेंशन नहीं किया. पॉसिबिलिटी है इधर से एक नंबर और इधर साइड से, तो हम दोनों साइड से देखें. पहले इधर साइड से 1, 2, 3, 4. अब इधर साइड से 1, 2, 3, 4. तो डबल बॉन्ड का नंबर कौन सा आ रहा है कम? इधर साइड से. दिस विल करेक्ट, ये वाली नहीं. अब नंबरिंग देते टाइम हम 1 देंगे या 2 देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच है. तो जब डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे फर्स्ट देंगे, लोवेस्ट देंगे. वन ब्यूटीन इस स्ट्रक्चर का नाम. टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐड द नंबर ऑफ लोअर नंबर कार्बन एटम ऑफ सीसी डबल बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द अल्किन. इन दोनों में से मिनिमम नंबर एक है, तो एक को हम देंगे. साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेम्ड एज यूजुअल and their position is indicated by the number to show to which carbon atom they are. Now for example, मैं इसको क्या करता हूँ? यहाँ से CH कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर CH3. तो क्या होगा फिर? 1, 2, 3. तो क्या होगा यहाँ पर? 3 position पर methyl group है, तो इसको prefix में 3 methyl 1 butene इस तरह से आएगा. Same. When there are 2 or 3 double bonds in a molecule, the ANE is replaced by diene and triene. अगर इसमें इस तरीके से होगा, यहाँ पर double bond अगर AH, यहाँ पर लिखते CH2 double bond CH, CH3 CH double bond CH2. इसका नाम आएगा फिर 1, 2, 3, 4. Okay? नाम 2 methyl. टू मिथाइल 1, 3 ब्यूट ब्यूटाडाइन. इसी तरह से ब्यूटाट्राइन भी हो सकता है. अब आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसके नाम भी उसके नीचे दिए, देखिए वो करेक्ट है क्या. देखिए फर्स्ट है 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, सेकंड है 2 ब्यूटीन, थर्ड है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, और तीसरा है 1, 3 ब्यूटाडाइन जो हमने अभी देखा. साथ में हमने सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड किए. ये हो गए अल्किन का नॉमेनक्लेचर शॉर्ट में. ओके, अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स. कॉमन सिस्टम. एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज. कॉमन नेम क्या है फर्स्ट सीरीज का? एसिटाइलिन. क्या है? एसिटाइलिन. अब हम स्टडी कर रहे हैं अल्काइन्स, जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है. ओके, अल्काइन्स. नेक्स्ट, डिराइव्ड सिस्टम. हायर द अल्काइन्स आर रिगार्डेड एज अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन. देखिए डाइमिथाइल एसिटाइलिन, इसमें जो है कॉमन सिस्टम में एसिटाइलिन को ही कॉमन पेरेंट समझा जाता है, उसी के हिसाब से नाम दिया जाता है. अभी डिराइव्ड सिस्टम, कॉमन सिस्टम में फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन, डिराइव्ड सिस्टम हायर अल्काइन्स आर रिगार्डेड एज अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन. इसको क्या किया जाता है? इसके डेरिवेटिव समझा जाता है एसिटाइलिन, इसलिए डाइमिथाइल एसिटाइलिन. और आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में द आईपीएसी नेम्स ऑफ अल्काइन्स आर ऑब्टेंड बाय ड्रॉपिंग द एंडिंग एएनई ऑफ पेरेंट अल्किन एंड एडिंग द सफिक्स वाईएन. क्या किया जाता है? अल्केन का एन रिप्लेस करकर वाइन, इसके जैसे अल्काइन. अब देखिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका नाम क्या होना चाहिए? इथीन है ये, इथेन. ओके, तो ये एन को हम रिप्लेस करेंगे वाइन से, तो ये बन गया इथाइन. अब दूसरा एग्जांपल सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच. अब इसमें क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 फोर कार्बन का ब्यूट टेन ए एन ई, एन की को हम रिप्लेस करेंगे वाइन से, इसलिए ब्यूटाइन.
आप डबल बॉन्ड का जैसे नंबर मेंशन कर रहे थे उसी तरीके से इसका भी नंबर देना है। दोनों साइड से देखकर देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से सेम नंबर आ, तो लोअर नंबर कौन सा है, टू, इसलिए 2 ब्यूटाइन। इस तरीके से अल्काइन का नंबरिंग होगा। नॉमेनक्लेचर, उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स। कॉमन सिस्टम में इन दिस सिस्टम द अल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द हैलोजन एटम इज नेम्ड फर्स्ट अल्किन एंड देन क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड विल कम। कॉमन सिस्टम में क्या होता है, अल्किल ग्रुप अटैच्ड टू हैलोजन एटम इज नेम्ड फर्स्ट, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, आइसोब्रोमाइड। सफिक्स फॉर अल्किल हैलाइड इज YL हैलाइड। क्या होता है, पहले तो इसका जिस R को अटैच है इसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको YL लगाइए, फिर ये X कौन सा है, क्लोरो ब्रोमो आइडो कौन सा है, उसी हिसाब से मिथाइल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड इस तरीके से हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये है 2 कार्बन वाला इसलिए इथाइल क्लोराइड, ये है सिंगल कार्बन का इसलिए मिथाइल ब्रोमाइड, ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ब्रोमाइड, बट सेकंड पोजीशन पर रहने की वजह से आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड एज पर द आईयूपीएसी, आईयूपीएसी सिस्टम से हम इसे नाम कर सकते। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज सिलेक्टेड एज, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे, सेम जिस तरीके से हम अल्किन में और अल्काइन में कर रहे थे कि लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको नंबरिंग देंगे, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट होगी जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आएगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम और नंबर से पहले मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ पर जो हैलाइड्स है एक्स जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किए जाते हैं और इसको नाम दिया जाता है अल्किन। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने है स्क्रीन पर, सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन एक ही है तो सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है, तो इसका नाम आएगा 2-क्लोरो-ब्यूटेन। इफ द पैरेंट चेन हैज अ ब्रांचिंग अल्किल ग्रुप देन नंबर द चेन फ्रॉम द नियर, यानी कम से कम नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए, यानी क्लोरीन को प्रेफरेंस देना या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 2 पॉसिबिलिटी, इधर से देंगे तो थर्ड आएगा 3-क्लोरो, इधर से देंगे तो क्लोरीन को थर्ड आएगा, ये हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस। अब दूसरा है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप को इधर साइड से देंगे तो 4 नंबर आ रहा है, इधर साइड से देंगे तो 2 नंबर आ रहा है, तो करेक्ट रहेगा इधर साइड से, इसीलिए 3-क्लोरो। अब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है 3-क्लोरो, देखिए यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है 3-क्लोरो और 2-मिथाइल और पेरेंट है हमारा 1 2 3 4 5 पेंटेन। ओके, तो पहले कौन सा लिखेंगे, अल्फाबेटिकली सी पहले है या एम पहले, सी पहले, इसलिए क्लोरो, तो नाम क्या आएगा 3-क्लोरो-2-मिथाइल पेंटेन, इस तरीके से नाम आएगा। क्यों क्लोरो पहले लिया, क्योंकि अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, इसलिए 3-क्लोरो-2-मिथाइल पेंटेन। उसके बाद का स्ट्रक्चर, इफ द कंपाउंड्स कंटेन्स 2 or more हैलोजन आइटम ऑफ द सेम टाइप देन दे आर इंडिकेटेड विद प्रीफिक्स डाय ट्राइ टेट्रा, सेम जैसा हमने सब्स्टिट्यूट के लिए। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ, CH, CL, CH, CL, CH2, CH3, ओके, CH3 ये हो गया। ओके, तो ये कैसा आएगा नाम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेकंड पर आ रहा है, इधर से 3 पर आ रहा है, ये करेक्ट है। पोजीशन 2 पर भी क्लोरो है, 3 पर भी क्लोरो, तो इसको कॉमन क्या करेंगे, 2, 3 डाइक्लोरो पेंटेन। ओके, यानी अगर सिमिलर टाइप के हैं तो डाइट्राइड टेट्रा हम ऐड करते जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर अलग ब्रोमो का भी उस तरीके से ही एग्जांपल लिया गया। अब देखिए, इफ द कंपाउंड कंटेन्स डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स दे आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस ऑन द चेन
एंड लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नंबर कौन सा भी आए बट जब लिख रहे हैं हम तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, ब्रोमो पहले, क्लोरो बाद में, मिथाइल भी बाद। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब ये है साइक्लोपेंटेन। अब इसको नंबरिंग कैसे देंगे देखिए, साइक्लोपेंटेन को नंबरिंग नंबरिंग इन दोनों में से एक जगह स्टार्ट होगी, इधर से, इधर से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, बट अब यहाँ पर डाय सब्स्टिट्यूशन है इसलिए यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 तो 1,1 डाय मिथाइल, ओके डाय मिथाइल 3 ब्रोमो। तो अब इसमें मिथाइल पहले आएगा कि ब्रोमो पहले, तो लिखते टाइम ब्रोमो पहले आएगा, 3 ब्रोमो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, इस तरीके से इसका नाम है। दिस इज द अल्किल हैलाइड्स नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के लिए हम देखते हैं, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर किस तरह से, कॉमन सिस्टम से अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्किल अल्कोहल्स, यानी अगर मीथेन है तो उसका मिथाइल अल्कोहल होगा। यहाँ पर जो एग्जांपल्स, अब इसी को हम कॉमन सिस्टम से भी नाम देंगे, CH3OH, इसका कॉमन सिस्टम से नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। ओके, कॉमन सिस्टम से। IUPAC सिस्टम से क्या नाम होगा, IUPAC सिस्टम के लिए क्या है कि फाइंड आउट कीजिए कि कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए कि कार्बन है, इसलिए मिथ है, मिथ आ गया। ओके, मिथेन, तो मिथेन का ANE में से क्या रिप्लेस करना है, ई रिप्लेस करना है, जैसा यहाँ पर दिया गया है सेकंड रूल, ई को रिप्लेस कर कर OEL डाल देंगे, तो ANOEL मिथेनॉल, मिथेन का मिथेनॉल हो गया, ये इसका कॉमन सिस्टम मिथाइल अल्कोहल मिथेन। इसका क्या होगा फिर, CH3CH2OH, इसका नाम होगा इथाइल अल्कोहल, कैसे कॉमन सिस्टम से, IUPAC सिस्टम से इथेन का इथेनॉल। ओके, ये इथेनॉल। नंबर द चेन सो एज टू गिव द कार्बन कैरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, the position of OH group is indicated by the number. अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1, 2 मिथेन, number the chain so as to give the carbon carrying hydroxyl group, यानी जिस कार्बन को आपको मिनिमम नंबर आएगा, किस कार्बन को, जिस कार्बन पर OH group, तो यहाँ पर हम नंबरिंग देंगे 1, 2, 1, 2, कौन सा करेक्ट रहेगा, ये वाला 1 इथेनॉल। इस तरीके इंडिकेट द पोजिशन एंड सब्सटीट्यूएंट्स मल्टीपल बॉन्ड्स बाय द नंबर्स, सेम यानी सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए, पहले सब्सटीट्यूएंट को नंबर दीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, ओके सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए, ये चेक कीजिए, उसके बाद OH वाला कार्बन जो है उसको कम नंबर आना चाहिए। व्हेन OH इज अ पार्ट ऑफ हायर प्रायोरिटी क्लास कंपाउंड इट इज नेम्ड एज अ हाइड्रोक्स, यानी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, एसिड अगर है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड वगैरह है तो आपका अल्कोहल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ईस्टर है तो भी, एल्डिहाइड है तो भी, कीटोन अल्कोहल, यानी कीटोन एल्डिहाइड ईस्टर और एसिड अगर है तो अल्कोहल हाइड्रोक्सी हो जाएगा, अगर अदर है तो ये अल्कोहल ही रहेगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर इथेनॉल इथेनॉल तो बता दिया आपको, अब है यहाँ पर CH3CH CH3OH, अब इसका नाम कैसे, लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, तीन कार्बन नंबरिंग 1, 2, 3, इधर से भी देंगे तो 1, 2, 3 इस तरीके से, किधर से भी देंगे तो नाम क्या, 2-propane का प्रोपेनॉल, ओके 2-propanol। अब जो यहाँ पर तीसरा एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है ये देखिए, CH3CH2CHOH CH2CH2CH3CH3, इसको हम नंबरिंग के साथ हम ट्राई करेंगे, एज इट इज वहाँ का नाम नहीं देखते हैं, CH3 CH2 CH OH।
CH3. आपकी स्क्रीन पे भी पूरा है, ओके। चेन हम सेलेक्ट करते हैं, ये ऐसा एक है, ये ऐसा एक, तो कितने आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कॉन्सेप्ट लो 7 ही आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ पर 7 वाला एक लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करते हैं कि लॉन्गेस्ट ये वाला इजी जाएगा, ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट। तो मिनिमम नंबर किसे आना चाहिए, इधर से अगर स्टार्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप OH है, मिनिमम नंबर किसे आना चाहिए, इस कार्बन को, ना कि सब्स्टिट्यूट को। देखते हैं इधर से अगर देंगे हम 1 2, सब्स्टिट्यूट 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7, दूसरा इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से सब्स्टिट्यूट पर 6 आ रहा है, ओके। एंड 6 मिथाइल 5 हेप्टेनॉल, इधर से अगर हम देंगे 1 2 3, तो 3 OH, थर्ड पोजीशन पे 3 ग्रुप आ रहा है, ये करेक्ट है ये गलत है, क्योंकि OH वाला कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए, तो क्या होगा 6 मिथाइल होगा, नाम क्या आएगा फिर 6 मिथाइल, ये कौन सा है, हेप्टेन का, हेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल, और थर्ड पोजीशन पे इसलिए 3 और हेप्टेन 3 ऑन, ओके। इस तरीके से इसके नाम, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, 2 अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द फंक्शनल ग्रुप है, तो कॉमन सिस्टम से जब नाम दिया जाता है तो दोनों ग्रुप को अलग अलग कंसिडर किया जाता है और ईथर से मेंशन किया जाता है, जैसा कि क्या किया गया, 2 इथाइल ग्रुप्स है, तो डाई इथाइल ईथर, 2 इथाइल से डाई इथाइल ईथर, इसलिए कि ऑक्सीजन है, डाई इथाइल ईथर। अब यहाँ पर है इथाइल और मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल, मिथाइल पहले क्यों नहीं, अल्फाबेटिकल इथाइल पहले आता है, इसलिए इथाइल मिथाइल ईथर। IUPAC में ईथर आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्किल, द लार्जर अल्किल ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी अल्किन और पैरेंट, the name of the alkene is prefixed by name alkoxy, group and position number. देखिए methoxyethane, largest को alkene किया जाता है, okay, name of the alkene is prefixed by the name alkoxy group and position the number. alkene, larger alkyl group is considered to be alkene or parent. इसको पैरेंट है, ज्यादा कार्बन वाला पैरेंट कंसीडर, यहाँ पर इथेन है और मीथेन है, मीथेन कम एक ही कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, इसलिए ये पैरेंट, इथेन पैरेंट हो गया, बाकी का ये मिथॉक्सी। अब यहाँ पर इथेन है और इथेन है, तो दोनों सेम है, तो अब कौन सा भी इथॉक्सी इथेन, इधर का अगर इथेन कंसिडर करेंगे तो ये इथॉक्सी, इधर का इथेन कंसिडर करेंगे तो इधर का इथॉक्सी, लार्जर वाला पैरेंट कंसिडर करेंगे और स्मॉलर वाला अल्कोक्सी कंसिडर। Nomenclature of oxyranes, common system से हम इसके नाम पे देखेंगे, cyclic, तो इस तरीके से आएगा, usually they alkene epoxides because they are made up from alkene से तैयार किए जाते हैं, इसलिए हम alkene epoxide ही बोलते हैं, are made from alkenes, इसलिए ethylene oxide, propylene oxide, epoxy propane, epoxy ethene, IUPAC nomenclature में in this system ethylene oxide is called oxyrene, इसको oxyrene कहा जाता है, and epoxide are named as substituted oxyrenes, ये parent consider किया जाता है oxyrene, 2 methyl oxyrene, 2,2 dimethyl oxyrene, इसको parent और उसी सब इसको नाम दिए जाते हैं। Aldehydes, common system में, the name of simple aldehyde, so simple aldehydes are derived from common names of corresponding carboxylic एसिड, उसके इतने उसमें जितने कार्बन है आपके एल्डिहाइड में उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर किया जाता है और उसी को नाम दिया जाता है, समझो फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मल्डिहाइड, ओके। अब देखिए ये एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड होता है COOH, उसी का फॉर्मल्डिहाइड। द कैरेक्टरिस्टिक आईसी एसिड एंडिंग इन द कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्रॉप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड,
फॉर्मिक एसिड, आईसी एसिड को रिप्लेस किया है एल्डिहाइड्स. वन कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्मिक एसिड, सो द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग इज फॉर्मिक. प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड का कैसे हो गया देखिए, प्रोपियोनिक एसिड अलग से लिख रहा हूँ, तो आईसी एसिड को प्रोपियोना एल्डिहाइड, इस तरीके से नाम आएगा. उसके बाद एसिटा एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड का एसिटा एल्डिहाइड. उसके बाद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे रहेगा इसका, द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नेमिंग एल्डिहाइड यूजेस द पैरेंट एल्केन नेम करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन. अब इसमें वही करना है जो हमने पिछले फंक्शनल ग्रुप्स में किया था कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप हो, और जिस कार्बन को भी एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है उस कार्बन को मिनिमम नंबर आना चाहिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर आना चाहिए. इस तरीके से आप नाम दीजिए. फाइनल अल्केन का जो ई है उसको रिप्लेस कीजिए एएल से, जिस तरह से आपने अल्कोहल में ई को रिप्लेस किया था ओएल से, उसी तरह से यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एएल से. मिथानल, प्रोपियानल, ब्यूटानल, पेंटानल, वहां पर नॉल था, यहाँ पर नल आए. द नंबरिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन विद सी वन, कार्बन जिस कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप है उसको कार्बन नंबर वन आए. The substituent are indicated by the name and position. Number, substituent को number दीजिए, उसके नाम दीजिए उस तरीके से. अब यहाँ पर देखिए, single carbon वाला methane, इसका methanol, 2-pentynol, 2-pentynol कैसे आ गया अब यहाँ पर, first carbon ये, second ये, third ये, fourth, fifth, पांच carbon का pent, second position पर alkene है, इसलिए 2-pentynol क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप. उसी तरीके से 2-pentynol सेम, ओके, रिपीट हो गया यहाँ पर स्ट्रक्चर. ये दूसरा इथिल, 2-ethyl-pentynol, 2-ethyl-pentynol, इसका क्या नाम आएगा, वन एक नंबर आएगा, दो तीन चार, चार कार्बन का ब्यूट, ब्यूट नल, ओके. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या है, 3-methyl है और बेंजीन यानी फिनाइल है, तो मिथाइल पहले आएगा या फिनाइल पहले, एम एन ओ पी, तो मिथाइल पहले, तो 3-methyl 3-phenyl ब्यूटानल, इस तरीके से इसका नाम आएगा. क्या आएगा, 3-methyl 3-methyl 3-phenyl ब्यूटा नल. नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, कॉमन सिस्टम्स हैं. कीटोन्स आर नेम्ड एज डाई अल्किल कीटोन्स, आर सी ओ आर, इस तरह का फंक्शन ग्रुप होता है. जैसे कि यहाँ पर तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री इज पॉपुलरली कॉल्ड एज एसी टू. एक्चुअली क्या होना चाहिए था, डाई मिथाइल कीटोन, इसका नाम क्या आ रहा है, एसीटोन. ओके, द कॉमन names of unsymmetrical ketones are obtained by naming the alkyl groups as a separate words in alphabetical order and adding the third word ketone. अब अलग अलग similar रहेंगे तो dialkyl ketone, यानी दोनों side में इसका carbonyl carbon. अलग अलग रहेंगे तो यहाँ पर है methyl और ethyl, तो alphabetically हम इस दोनों को लिखेंगे alkyl groups को और ketone add करेंगे, ethyl methyl. Nomenclature of ketone में IUPAC system से देखते हैं. The IUPAC names of ketone is alkanones. Okay, the name of individual member on the system is derived by dropping final E. Alkene का E को हम replace कैसे करेंगे, O-N-E से. जिस तरीके से O-L, A-L, उसी तरह से O-N-E, O-E. Okay, alcohol में हमने O-L को replace किया था, aldehyde में A-L को, तो ketone में. अब यहाँ पर तीन कार्बन का क्या है, प्रोपेन, तो प्रोपेन का हो गया प्रोपियानोन. ओके, प्रोपेन का ई को हम रिप्लेस करेंगे ओ एन ई से, प्रोपियानोन, ब्यूटानोन,
और यहाँ पर इनकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। प्रोपेनॉन को भी मेंशन करने की जरूरत है क्योंकि डेफिनेटली प्रोपेनॉन यानी एक कार्बन तो आपका कार्बोनिल रहेगा और बचे हुए दो कार्बन एक ही मिल है। ब्यूटानोन में इसका पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, टू ब्यूटानोन यानी सेकंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप। व्हाइल नेमिंग द हायर कीटोन्स ऑन आईपीसीसी सिस्टम इट बिकम्स नेसेसरी टू पोजीशन द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, जैसे यहाँ पर टू पेंटानोन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कॉमन सिस्टम से द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप। सेम रूल से ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि कार्बोक्सिल ग्रुप हो। कार्बोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर है उसको कार्बन नंबर वन दीजिए और अल्केन का ई रिप्लेस कीजिए ओ आई सी एसिड से। फिर सब्सिट्यूएंट फाइंड आउट कीजिए, सब्सिट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए। उसके बाद सब्सिट्यूएंट को नाम और नंबर मेंशन कीजिए, अल्फाबेटिकली उनको नाम लिखते टाइम प्रीफिक्स में ऐड कीजिए। ओके, ये हो गया कॉमन सिस्टम से देते टाइम ई ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन आई सी एसिड। जैसे कि ये वैलेरिक एसिड 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन का वैलेरिक एसिड होता है। ओके, आइसो वैलेरिक एसिड सेकंड पोजिशन पर मिथाइल। तो आईपीसी सिस्टम में जो मैंने रूल बोला कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए एक नंबर दीजिए उसी तरह से यहाँ पर एग्जांपल देखिए 1, 2, 3, 4 टू मिथाइल। ओके, 1, 2, 3, 4 टू मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। इसका नाम क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन वाला पेंटेन, पेंटेन का पेंटा नॉइक एसिड। ये हो गया हमारा पैरेंट। सब्स्टिट्यूट देखिए सेकंड पोजीशन पर है इथाइल। ओके, थर्ड पोजीशन पर है मिथाइल। तो पहले कौन सा आएगा? डेफिनेटली इथाइल, 2-ethyl-3-methyl पेंटेनोइक एसिड। ओके, दिस इज द नेम। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम इस तरह से होते हैं, आपको जो कंफ्यूज यहां पर हो सकता है वैलेरिक एसिड के सीरीज। तो कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड तीन कार्बन वाला, चार कार्बन वाला ब्यूटेरिक एसिड, पांच कार्बन वाला वैलेरिक एसिड और छह कार्बन वाला कैप्रोइक एसिड। आईयूपीएसी सिस्टम में उसी के नाम मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड फर्क है। प्रोपियोनिक और प्रोपेनोइक इतना डिफरेंस है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड्स एनहाइड्राइड्स एंड एसिड अमाइड्स एंड एस्टर्स। कॉमन नेम फॉर्मिल क्लोराइड मिथेनॉइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड इथेनॉइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इथेनोइक एनहाइड्राइड प्रोपियोनोइक एनहाइड्राइड कॉमन नेम्स। ओके, ये स्ट्रक्चर है, ये है प्रोपियोनोइक एनहाइड्राइड। फॉर्मामाइड मिथेनामाइड, एसिटामाइड कॉमन सिस्टम से है स्ट्रक्चर का नाम, तो आईपीसी से इथेनामाइड। एसिटेट के नाम इथाइल एसिटेट कॉमन सिस्टम से, तो इथाइल इथेनोएट, इथाइल प्रोपियोनोएट, तो इथाइल प्रोपियोनेट और प्रोपियन। अमाइंस का नॉमेनक्लेचर इथेल अमीन आइसोब्यूटाइल अमीन। ओके, ये सब एसिड एंड नाइट्राइड्स